फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज दिनेश और आज हम करने वाले हैं एक गढ़वाली गाना जिसका नाम है नंद्रे तू। ठीक है, तो ये गाना बहुत अच्छा है। इस गाने को हम गिटार पे आज प्ले करेंगे, इसके कॉर्ड्स, स्ट्रमिंग पैटर्न सब हम सीखेंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको इस गाने के लिए कौन कौन से कॉर्ड्स यूज होते हैं ये आपको बता देता हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ 3 कॉर्ड चाहिए आपको इस गाने को प्ले करने के लिए। ठीक है, तो पहली कॉर्ड है बी माइनर, दूसरी कॉर्ड है जी और तीसरी कॉर्ड है ए। ए आप फिफ्थ फ्रेट पे प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज आप ओपन भी प्ले कर सकते हैं। ओके, मैंने एक कॉम्बिनेशन प्ले किया है, ओपन भी प्ले किया है और फिफ्थ फ्रेट पे भी प्ले किया है। ठीक है, तो कौन कौन से कॉर्ड्स मैंने बताया आपको, बी माइनर, जी एंड ए। ठीक है, अगर आपको ये कॉर्ड्स बजाने में मुश्किल हो रही है, आप नहीं प्ले कर पा रहे हैं, आपको इजी कॉर्ड्स चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, कैपो लेना है, कैपो को लगा देना है सेकेंड फ्रेट पे। ठीक है, तो जो आप बी माइनर प्ले कर रहे थे अब वो हो जाएगा ए माइनर, जहां आप जी प्ले कर रहे थे वो हो जाएगा एफ और जहां आप ए प्ले कर रहे थे वो हो जाएगा जी। ठीक है, जी आप ओपन प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैपो से थर्ड फ्रेट पे भी प्ले कर सकते हैं। तो कैपो के साथ में कॉर्ड्स कौन कौन से हो गए हैं, ए माइनर, एफ एंड जी। ठीक है, सो सिर्फ 3 कॉर्ड्स हैं इस गाने को प्ले करने के लिए। अब चलते हैं इस गाने का स्ट्रमिंग पैटर्न देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो स्ट्रमिंग पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ। स्ट्रमिंग पैटर्न क्या है, डाउन अप चक्कप, अप चक्कप, डाउन अप चक्कप, अप चक्कप। तो ये स्ट्रमिंग पैटर्न है इस गाने के लिए। अगर आपको ये करने में मुश्किल हो रही है तो आप दूसरा भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें क्या है, डाउन अप, डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, अप डाउन अप। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, म्यूटिंग इफेक्ट डालना है, कॉर्ड्स को रिलीज करना है। तो गाइस, ये आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, म्यूट इफेक्ट निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, चक साउंड निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक लेसन बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि म्यूटिंग इफेक्ट कैसे जनरेट किया जाता है और चक साउंड कैसे निकालते हैं, और भी मैंने टेक्निक्स बताई हैं स्ट्रमिंग की रिगार्डिंग। तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ऊपर आई बटन में भी वो लिंक दिख रहा होगा अभी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी स्ट्रमिंग के बारे में सीखने के लिए। ठीक है, तो गाइस, स्ट्रमिंग पैटर्न हो गया है, कॉर्ड्स भी हो गई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस गाने में कौन सी कॉर्ड प्रोग्रेशन यूज हुई है। तो गाइस, 2 टाइप की कॉर्ड प्रोग्रेशन यूज की है गाने में। पहली रहेगी बी माइनर, जी, ए। ठीक है, ए आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो या फिर ओपन भी प्ले कर सकते हो। मैंने क्या किया है, जहाँ पे वोकल पार्ट है वहाँ पे मैंने बी माइनर, जी, ओपन, ए प्ले किया है। जहाँ म्यूजिक पार्ट है वहाँ मैंने बी माइनर, जी एंड ए, ए मैंने फिफ्थ फ्रेट पे प्ले किया है। ठीक है, तो ये है पहली कॉर्ड प्रोग्रेशन। दूसरी कॉर्ड प्रोग्रेशन और भी सिंपल है, बी माइनर, जी, बैक टू बी माइनर। ठीक है, बी माइनर, जी, बैक टू बी माइनर। सो 2 ही कॉर्ड प्रोग्रेशंस इसमें हैं। ठीक है, अब हमें सीखना है कि ये दोनों स्ट्रमिंग पैटर्न कहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, तो इंट्रो जहां बजता है वहां आपको प्रोग्रेशन नंबर 1 यूज करनी है। अच्छी लव मुल मुलिया तेरी हसी, नंद रे तू जियों दी बसी, अच्छी लव मुल मुलिया तेरी हसी। ठीक है, दूसरी वाले स्ट्रमिंग में आप देख लीजिए, नंद रे तू जियों दी बसी, अच्छी लव मुल मुलिया तेरी हसी, नंद रे तू जियों दी बसी, अच्छी लव मुल मुलिया तेरी हसी। तो ये है पहली वाली कॉर्ड प्रोग्रेशन, इंट्रो पार्ट में वो कॉर्ड प्रोग्रेशन बजती है, अंतरा जहां बजता है वहां पे कॉर्ड प्रोग्रेशन नंबर 2 बजेगी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। लालू तेरी उठड़िया बाकी दिखने की तू गोरी, ओ, 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 लालू तेरी उठड़िया बाकी दिखने की तू गोरी।
बी माइनर जी ये वाली कॉर्ड प्रोग्रेशन जो है अंतरे में यूज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, इस गाने को पूरा प्ले करेंगे ट्रैक के साथ में। ठीक है, तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा कहाँ पे कौन कौन से कॉर्ड्स यूज करने हैं, ये आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट करके मुझे बताइए आपकी कोई रिक्वेस्ट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस गाने के लिरिक्स विद कॉर्ड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं, बजाते हैं इसको ट्रैक के साथ में।
फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये गाना और ये लेसन आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, सी यू।